Welcome back, dear viewers. We are discussing Plus One Biology, chapter number 13, that is photosynthesis in higher plants. Last video में हमने discuss किया था photosynthesis की history के बारे में. आज का जो हमारा video है, इसमें हम दो तीन topic discuss करेंगे छोटे-छोटे. तो first of all, coming to the magnitude of photosynthesis. हमें मालूम है कि जो atmosphere है, उसमें carbon dioxide की concentration है 0.03%. At this rate, the atmosphere of our Earth contains about 2200 billion tons of carbon dioxide, which is sufficient to support photosynthesis for a few hundred years, even if no further amount is added. तो इतनी अभी जो मात्रा है, इसी मात्रा से भी जो कई वर्षों तक photosynthesis का जो प्रक्रम है, वो जारी रह सकता है. The carbon dioxide present in the oceans, in the form of dissolved gas or carbonates is estimated about 11.2 × 10⁻¹⁴ tons, which is more than 50 times of the amount present in the atmosphere. तो जो oceans में carbon dioxide है dissolved form में, उसकी जो मात्रा है वो atmosphere के मुकाबले 50 गुना ज्यादा है. Green plants fix about 70 to 80 billion tons of carbon dioxide annually by the process of photosynthesis. अब जितना भी ये photosynthesis होती है, out of the total carbon dioxide fixed का मतलब यहाँ यह है, ये rate of photosynthesis. जो photosynthesis होती है, उसमें basically carbon dioxide की fixation होती है carbohydrates में. इसलिए इसको carbon dioxide fixed बोला गया है यहाँ पर. So about 90% is fixed by water plants, mainly in oceans, and less than 10% is fixed by terrestrial plants. It is interesting to note here that only 0.2% of the total solar radiations, total solar energy falling on Earth's surface is utilized by photosynthetic organism. और ये जो 0.2% है solar energy का, total solar energy का, ये photosynthetic organism द्वारा use होता है. जो कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव है, सभी जीवों की जो भोजन की आवश्यकता है, उसको ये पूरा करता है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है. नेक्स्ट वन इज, वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? ऑब्वियसली द आंसर इज ग्रीन लीफ और इन द क्लोरोप्लास्ट. लेकिन ग्रीन लीफ के अलावा जो अदर ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट्स के, लाइक यंग स्टम स्टेम्स हैं, फ्रूट्स हैं, एक्सेट्रा, वहां पर भी जो फोटोसिंथेसिस है वो होती है. बोलने का मतलब ये है कि ग्रीन के अलावा जितने भी और सॉरी लीव्स के अलावा जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वहां पर भी फोटोसिंथेसिस होती है. जैसे आपने हर्बेशियस प्लांट्स देखे होंगे, यंग वीट का प्लांट है वो ग्रीन होता है, तो उसकी जो स्टेम है वो भी फोटोसिंथेसिस करती है. बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट है, दे आर द एक्चुअल साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपको मालूम है. और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसकी चर्चा करेंगे. और क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स ऑफ प्लांट सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. अब जो क्लोरोप्लास्ट है, इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अगर हम लीव का सेक्शन काटें, तो इसमें पैलिसेट मेसोफिल और स्पॉन्जी मेसोफिल, या पैलिसेड पेरेन्काइमा और स्पंजी पेरेन्काइमा, आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं. इसको कलेक्टिवली मेसोफिल टिश्यू भी कहते हैं. इसमें ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं. तो इनमें मुख्यतः जो मेसोफिल टिश्यू है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है. मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Usually the chloroplasts align themselves along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light. उनका जो arrangement है वो इस प्रकार से होता है कि जो mesophyll cells होते हैं, उनकी wall की तरफ उनकी alignment होती है, ताकि वो जो incident light है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा quantity को जो है वो absorb कर सकें और photosynthesis को effectively carry on कर सकें. Chloroplast is surrounded by double membrane envelope. इंटरनली अगर हम देखें, तो इसमें दो मुख्य स्ट्रक्चर होती हैं, स्ट्रोमा और थैलाकोइड. जो स्ट्रोमा है वो ग्राउंड मैट्रिक्स है. जो ग्राउंड मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा. और जो थैलाकोइड है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है. पूरी जो स्ट्रक्चर है, इसको हम ग्रेना बोलते हैं. और जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, वो है थैलाकोइड. यहाँ पर ये एरो से मार्क किया हुआ है.
थैलाकॉइड की जो इंटरनल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये डार्क ग्रीन कलर की जो दिखाई गई हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं यहाँ पर ही कंसंट्रेटेड होती हैं। अभी आगे हम देखेंगे अगले डायग्राम में। जो मैट्रिक्स है, जो स्ट्रोमा है, इज द प्रोटीन कोलॉइडल कॉम्प्लेक्स दैट फिल्स द इंटीरियर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर थोड़ी सी एक बात आप लोगों ने समझ लेनी है कि जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें मुख्यतः दो रिएक्शंस होती हैं या दो फेसेस होते हैं, ऐसे समझ लो। एक है लाइट रिएक्शन या लाइट फेस, और दूसरा है डार्क रिएक्शन या डार्क फेस। जो लाइट रिएक्शन है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और जो डार्क रिएक्शन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होती है, डार्क रिएक्शन का मतलब है कि उसको लाइट की आवश्यकता नहीं होती। तो जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होती है, और जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में होती है या थैलाकॉइड में होती है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो थैलाकॉइड्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एलिमेंट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट विच आर एम्बेडेड थ्रू आउट इन द मैट्रिक्स और स्ट्रोमा। ईच थैलाकॉइड इज ए फ्लैटेंड सैक लाइंड बाय ए मेम्ब्रेन स्पेशलाइज्ड इन हार्वेस्टिंग लाइट एनर्जी। द इंट्राथैलाकॉइडल स्पेस is known as loculus. The major function of the thylakoid is to perform light rejection. Now, coming to the location of photosynthetic pigments in the chloroplast. Chloroplast में photosynthetic pigments जो हैं वो कहाँ पर located होती हैं? The major photosynthetic pigments are chlorophyll A, chlorophyll B and carotenoids. ये मुख्यतः photosynthetic pigments होती हैं. It has been shown that chlorophyll molecules are non-covalently associated with proteins forming pigment protein complexes. तो pigment protein complexes होते हैं, they are located in the thylakoid membrane of the chloroplast. यहाँ पर चार प्रकार के complexes होते हैं। पहला है photosystem 1, जिसको PS1 भी बोलते हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरा है photosystem 2 या PS2। तीसरा है cytochrome B6F complex, और चौथा है ATPase complex. तो जो चारों complex यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपको thylakoid की structure को enlarge करके दिखाया गया है। इसमें जो membrane है इसके ऊपर ये complexes हैं। अब इसमें एक thylakoid को further और magnify करके दिखाया गया है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चारों complex, photosystem 1 है, photosystem 2 है, cytochrome complex है, ATP synthetase complex है। तो ये सारा लाइट रिएक्शन का, जो जितना भी लाइट रिएक्शन के लिए जो आवश्यक कम्प्लेक्सेस होते हैं वो यहाँ पर लोकेटेड होते हैं। लाइट रिएक्शन के दौरान जो लाइट होती है, फोटो सनलाइट जो है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच2। तो एटीपी और एनएडीपीएच2 लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है फाइनल। एटीपी और एनएडीपीएच2 की सहायता से डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की जाती है। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। नाउ कमिंग टू द हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्वड इन फोटोसिंथेसिस। पिगमेंट्स क्या होती हैं? पिगमेंट्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन। क्लोरोप्लास्ट्स हैव टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। बैक्टीरिया possesses bacteriochlorophyll instead of chlorophyll, and in some algae phycobilins also occurs. Now coming to chlorophylls, they are the green photosynthetic pigments present in all the photosynthetic autotrophic organism. Chlorophyll ऐसी pigment है जो सभी photosynthetic autotrophic organism में पाई जाती है। अलग अलग author के अनुसार जो इनकी types हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर हम 5 प्रकार की ही देखेंगे। There are 5 types, chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, D and E. All the chlorophylls are soluble in organic solvents like ether, acetone, carbon disulfide. Now out of 5, only 2 types, that is chlorophyll A and chlorophyll B, are widely distributed in green algae and higher plants. Chlorophyll A ka jo empirical formula hai, वो है C55H72O5N4 मैग्नीशियम Mg। तो इसमें 55 कार्बन एटम होते हैं, 72 हाइड्रोजन,
पांच ऑक्सीजन के, चार नाइट्रोजन के और एक सेंट्रल एटम जो है वो इसके पोरफायरेटिंग में होता है, उसको मैग्नीशियम मैग्नीशियम है वो। इन प्योर स्टेट इट इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। इट अकर्स इन ऑल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। देयरफॉर इट इज नोन एज यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। द रिमेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जैसे दूसरी क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड, फाइकोविलिन्स हैं, दे आर नोन एज एक्सेसरी पिगमेंट्स। उनको एक्सेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं क्योंकि वो असिस्ट करती हैं इस प्रोसेस में, मुख्यतः क्लोरोफिल ए ही है। अब आइए यहाँ पर डायग्राम देखते हैं क्लोरोफिल ए की। ये ऊपर आप ग्रीन कलर का इसका पोरफायरिन रिंग देख रहे हैं, इसमें चार रिंग है पायरो रिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग, सेंट्रल एटम जो है वो मैग्नीशियम है उसके साथ अटैच्ड है और नीचे जो इसकी फाइटोल टेल है। अब इसमें अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की, तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में मामूली सा अंतर होता है। क्लोरोफिल ए में मिथाइल ग्रुप लगा होता है और क्लोरोफिल बी में मिथाइल ग्रुप की जगह एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, बाकी सब स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहती है। तो ये क्लोरोफिल ए की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वन इज कैरेटिनॉइड्स। दे आर ग्रुप ऑफ येलो एंड ऑरेंज कलर्ड लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स विच अकर इन क्लोरोप्लास्ट एज वेल एज स्पेशलाइज्ड प्लास्टिड्स कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट के बारे में हमने चर्चा की थी पिछले चैप्टर में, जो सेल वाला चैप्टर था। कैरोटीनॉइड जो है वो दो प्रकार की होती हैं फर्दर, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। कैरोटीन्स आर कॉमनली ऑरेंज और ऑरेंज रेड पिगमेंट्स। ऑल कैरोटीन्स हैव एन एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ C40H56। जो बीटा कैरोटीन है, जो सबसे कॉमन कैरोटीन है ह्यूमन बीइंग और दूसरे एनिमल्स में, जो बीटा कैरोटीन है ये फर्दर कन्वर्ट हो जाती है विटामिन ए में। तो जैसे कैरेट है उसमें बीटा कैरोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो वो आगे विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज वेरी गुड फॉर अवर आईज। नेक्स्ट वन इज जेंथोफिल्स। दे आर येलो कलर्ड ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन्स। कैरोटीन में अगर कैरेटीन की अगर हम ऑक्सीजनेशन कर दें तो वो जेंथोफिल बन जाती हैं। तो इनका जनरल फार्मूला है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है C40H56OX। जो ऑटम कलर जो प्लांट लीव्स होते हैं इनका, जो ऑटम सीजन में जो कलर होता है, ये जेंथोफिल के कारण ही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।